नमस्कार, आप देख रहे हैं आरभट न्यूज और पटना सिटी से है। पटना सिटी के आलमगंज थाना क्षेत्र के गुलजारबाग फील्ड के समीप मध्यरात्रि में फर्नीचर गोदाम में आग लगने से फर्नीचर का बना सामान जलकर खाक हो गया। हालांकि आग लगी की सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की दो यूनिट आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। जहां पीड़ित फर्नीचर गोदाम मालिक ने बताया कि ऑर्डर के बनाए गए फर्नीचर का सामान जलकर खाक हो गया है। इस अगलगी में लगभग 5 से 6 लाख का नुकसान बताया जा रहा है। जानकारी यही मिली है कि 1 बजे के लमसम में कि पता नहीं चला उस घड़ी कि ऐसा कि दो जब कांड हुई 1 बजे के बीच से लेकर 2 बजे से 3 बजे के बीच में, उसे जलने के बाद हमको बाद में पता चला, जब सब काम होने के बाद मोटर जला देने के बाद टोटल जलाने के बाद ये चीज़ हुआ, हमको पता चला कि पूरी जला देने के बाद हमको ये चीज़ हुआ कि जल गया पूरा उस संपत्ति मेरी, पूरा पार्टी को मेरा माल भेजना था। मोबाइल पे फोन आया तो फिर हम यहाँ पे दौड़ के आए, देखे कि आग लगी हुई है और फिर दो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, वो आग बुझा रही थी। उसके बाद तो आप देख ही रहे हैं। तो लगभग कितनी की क्षति हुई? लगभग 5-6 लाख का सामान इसका जल गया है। और ये किस समय घटना लगी थी आग? लगभग 1 से 2 बजे के बीच। और ये कहाँ पर का ये घटना है? गुलजारबाग फील्ड के बगल में एक कारखाना था, वही। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम संजीव कुमार है। कौन लगते हैं आपके? हमारे साला लगता है।